ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द टॉप 5 ऑफ दिस वीक। वैसे ये बात न्यूज़ चैनल वाले नहीं बता रहे, लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। लेकिन हमारे देश में हर एक बंदा 1,00,000 करीब 5,000 का कर्ज लेके घूम रहा है। डोंट यू फील स्ट्रेंज? यस। नो सीरियसली, वी हैव सो मच ऑफ बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स एंड देन दिस गाय। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। जैसे ये रिपोर्ट आई है, शेयर मार्केट गिर रहा है, LIC ये वो सब सुनता हूँ ना, तो मेरे मन में एक विचार आता है। क्या? कुछ धुन बजती है कुछ ऐसी, पर प्लीज ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज इट्स अबाउट आवर कंट्री। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? बहुत सारी खबरें हैं जो कि देश हित में है, आम जनता के लिए जरूरी है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता वो आपके लेकर आते हैं। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैड अ परीक्षा पे चर्चा, वहां पे स्टूडेंट आया, इसने सवाल पूछा, मोदी जी ने कहा ये स्टूडेंट है क्या, ये स्टूडेंट है क्या। खैर जो भी है, पर परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। अनदर पेपर लीक इन गुजरात। उस परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए जिसका पर्चा लीक हो जाता है। आई गॉट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द पीपल ड्यू टू द पेपर लीक, द जूनियर क्लर्क एग्जाम have been cancelled. Guys, this is scary. I mean, there are so many paper leaks. देश संकट में है। परीक्षा पे चर्चा के ठीक एक दिन बाद इस परीक्षा पे चर्चा कोई करने नहीं आया। देख रहे हैं ये विजुअल से काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोगों को रोना भी आ रहा है जिस तरह से एग्जाम कैंसिल हुए बस कुछ घंटे पहले। इतना बड़ा कुछ हो जाता है और बात ही नहीं हो रही। सारे स्टूडेंट है इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स का करियर स्टैक पे है और कितने सारे स्टूडेंट्स हमको मैसेज भेज रहे हैं। ये बात तो मीडिया में होनी चाहिए थी कि यार ये इनका भविष्य कहाँ होगा, क्या होगा अब इनका। इस पेपर लीक के वजह से उनको चंद घंटों पहले, जो परीक्षा थी उनके चंद घंटों पहले गुजरात सरकार ने जारी किया कि एक परीक्षा जो है वो रद्द की गई है, तो कई छात्रों में गुस्सा भी बड़ा है। एंड देयर आर सो मेनी पेपर लीक्स एंड दिस इज रियल परीक्षा पे चर्चा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? सबको छोड़ो, छात्र देश का भविष्य होते हैं, मीडिया को सवाल उठाना चाहिए कि इतने पेपर लीक्स होते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, क्या हो रहा है। एक दो न्यूज आपने फ्लैश में देखी होगी, कोई सवाल नहीं पूछा गया। एंड द फर्स्ट मंथ ऑफ 2023 इज ओवर। ये बहुत ही अजीबोगरीब नहीं बीता ये, कभी BBC की बात, कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कभी ये कभी वो, जो भी हो सब कुछ अच्छा हो, देश के हित में हो। इस महीने बजट आ रहा है एंड दिस पिक्चर ऑफ निर्मला सीतारमण जी कब से वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है बोलने वाली है बना दिया इकोनॉमी का हलवा। नो, वी वांट बजट शुड बी ग्रेट फॉर एवरीवन। देखते हैं क्या होता है, हमको कुछ नहीं पता। एंड लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली गाइस, with him left wing right wing mat khelo, what he is saying was absolutely right. We have Joshi Math, ek bahut bada example hai hamare samne, wahan pe mining hui, bahut sara construction ka kaam hua, kya halat hui. He is asking for something like this. unhone kaha ki agar Ladakh mein udyogon ko dhadalle se ijazat di jayegi to yahan ke pahad barbad ho jayenge aur glacier vilupt ho jayenge. kya cheez hai, kis cheez par baat ho rahi hai, inki kya mange, because he is a very well respected guy. इससे न केवल भारत बल्कि पड़ोस में भी पानी की कमी पैदा हो जाएगी। I'm not saying it's exactly like Joshimath thing, but we have the example in front of us. So जो सही है, जिसमें देश का विकास हो, सबका भला हो, वो रास्ता हमें चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमालयी क्षेत्रों में उद्योगों की तरफ से होने वाले दोहन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, इससे लोगों के रोजगार और जीविका दोनों में मदद मिलेगी। और इन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा है, देश की रक्षा कर रहे सिपाहियों के बारे में सोचा है, कितना इन्होंने किया है देश के लिए, इन पर बात होनी चाहिए। क्या चीज की मांग कर रहे हैं ये, पर मीडिया पे आपको इनकी एक बात नहीं सुनाई देगी। लेट्स नॉट डू लेफ्ट विंग राइट विंग पॉलिटिक्स ओवर हियर। सबसे पहले देश के बारे में सोचो, ठंडे दिमाग से सुनो कि आदमी क्या क्या रहा है, जो भी डिमांड है उस डिमांड के पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। एंड एटलीस्ट न्यूज चैनल शुड रिपोर्ट अबाउट दिस ऑल्सो गाइज। यस, दिस मूवी इज एक्चुअली बिकेम अ सिंबल आंसर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग, 5 दिन में 550 करोड़ के पार पहुंची कमाई। क्रॉस 500 करोड़ इन 5 डेज। सारे इंपॉर्टेंट कामों से हम ध्यान हटा के मूवीज और उनके कपड़े और इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो कि जरूरी नहीं था। मोदी जी ने खुद आके मना किया लोगों को, एंजॉय करो ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता है। एंड पीपल आर सेइंग द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी इज बॉयकॉट। ये माना जा रहा है कि जितना ज्यादा इसको बॉयकॉट किया गया, उतना लोगों ने आगे बढ़ के देखी पिक्चर।
राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर। Now this movie is breaking the record of Avatar 2. मतलब ये movie US तक record तोड़ रही है। समझ रहा हूँ। And now guys, this is the biggest threat on our country. Before I start about him, let's talk about the great Mr. Ratan Tata. We all want that he will receive the Bharat Ratna. इन्होंने देश के लिए कितना किया है। But you won't find Tata's name in any kind of a conspiracy. Prestigious brand, लोग इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। पहला आरोप ये था कि अडानी ग्रुप जो है अपने ही पैसे को देश के बाहर ले जाता है और वापस विदेशी संस्थाओं के नाम पर उनको भारत में निवेश कराता है और अपने शेयरों को जानबूझकर गलत तरीके से चढ़ाता है, आर्टिफिशियली उनकी वैल्यू को बढ़ाता है। अपोजिशन इज कंटिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चंस, जिसका मीडिया मजाक उड़ा देता है और सब ये सब बातें होती है, पर अब तो सच में लोगों को डर लगने लगा है। ये सारे इंटरव्यूज गोदी मीडिया पे चले और उसके बाद लोगों ने सच में ट्रस्ट दिखाया और अब जो लॉस हुआ उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है। ये एक बहुत वॉरिंग का साइन है। LIC के अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में कुल 37% हिस्सेदारी है और इस तरह पिछले दो सत्रों में हुई बिकवाली से LIC को 18,800 करोड़ रुपए की चपत लगी है। देश का करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में पैसा दिया है। इन सब की चिंता करने के बजाय देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता के दिसंबर तक सबसे ज्यादा अडानी पोर्ट में 9.14% हिस्सेदारी थी और ये कंपनी में अकेला सबसे बड़ा पब्लिक शेयर होल्डर भी है। एंड सडनली दिस नैरेटिव केम इन, मीडिया आपको इन भाई साहब को डिफेंड करता मिलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई डूबे, हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले, जो व्यवस्था है वो वही रहे, कोई हमारे देश पे लांछन ना लगाए। लेकिन सो मेनी पीपल आर सेइंग दिस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नेताओं वाला काम किया गया कि अब कुछ बचने को नहीं है, सब गड़बड़ हो गया तो राष्ट्रवाद का सहारा ले लिया गया। देश की सेवा करना राष्ट्रवाद होता है। वी रियली डोंट वॉन्ट दैट आर इकोनॉमी विल सफर, बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसलिए मैं कहता हूँ मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ही बॉट NDTV, देर इज नो मीडिया चैनल हु इज आस्किंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिम। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दे आर प्लेइंग रियली स्मार्ट। हम पहले इतने सारे लोगों को देश का पैसा लूट के भागते हुए देख चुके हैं। वी डोंट वॉन्ट दैट दिस विल हैपन नाउ, वरना पता नहीं क्या होगा। देश संकट में है, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम सबका भला होगा। लेकिन कोई अगर देश की संपत्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो ये सवाल पूछना भी राष्ट्रवाद है। दिस इज द ड्यूटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट एंड अ न्यूज चैनल, बट दे ऑल आर सोल्ड आउट। इस पर हम और भी बातें करेंगे, पर ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जनता का पैसा लगा हुआ है, कम से कम जनता की तो सोचते। इट्स नॉट अबाउट लेफ्ट विंग राइट विंग, इट्स अबाउट द कॉमन पीपल। That's why we come up with this series. If you like this series, please press the subscribe and share the video. And yeah, Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.